अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास बेटा, आज हमने लेक्चर नंबर अपना 8 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 8 हमारा है यूनिट नंबर 4 इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स पेज नंबर 46 पर आप देखें, इसकी टू टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। अब आप बोर्ड पर देखें बेटा इनकी एक्सप्लेनेशन। यूनिट नंबर 4 है बेटा, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स को शो बेटा किससे करते हैं, कैपिटल जी से, जो सेट में होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, चलते जा रहे हैं। अब बेटा इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसकी टू टाइप्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है प्लस माइनस। जो इसमें प्लस वाले हैं वो इसमें कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड जो इसमें माइनस वाले हैं वो कौन से इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है बेटा, जहाँ तक आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पर चल गई, इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं, ये इसके नंबर्स हैं और टाइप्स इसकी दो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसकी मोर एक्सप्लेनेशन आप देखें बेटा, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने एक नंबर लाइन लगानी है, नंबर लाइन के बेटा मिड में जीरो होता है, राइट हैंड साइड पर 1, 2, 3 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बेटा इनमें यह बात आप ध्यान से देखें, -1, -2, -3 ये जितना आगे जाता जाएगा इतना स्मॉल और डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, -1 छोटा होगा -2 से -2, -3 से -3, -4 से मीन्स -99, -100 से स्मॉलर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप आ जाएं पॉजिटिव इंटीजर में, 1 ग्रेटर होगा 2 से, 2 ग्रेटर होगा 3 से, 3 ग्रेटर होगा 4 से, इस तरह ये तो ग्रेटर होते जाएंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स जितने बड़े होंगे उतने ही छोटे होंगे, मतलब स्मॉल और डिक्रीज होते जाएंगे जैसे मूव करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर जैसे मूव करते जाएंगे वैसे ग्रेटर होते जाएंगे। इसमें बेटा मिड में आपको जीरो नंबर नज़र आ रहा है, ये जीरो जो कि इंटीजर्स में ये भी है आपके पास, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये इनके मिड में है। तो आप एक्सरसाइज 4.1 देखें अपनी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, आपने ड्रा नंबर लाइन करनी है, आपको तीन पार्ट दिए हुए हैं, ये वन पार्ट मैंने कर दी है, -5 to 0 आपने बेटा एक नंबर लाइन बनानी है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है, मिड में बेटा 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2। ठीक है, जहाँ तक आपको जैसे अब -5 से 0 कहा हुआ है, तो मैंने -5 से 0 एरो हेड लाइन दे दी है, मतलब ये -5 से लेकर 0 तक क्या है बेटा, ये नंबर लाइन हमारी रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, सपोज दैट अगर वो आपको 0 से 4 कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक आपने नंबर लाइन बना ली। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप ऊपर देखें। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फिलिंग द बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। तो मैंने जैसे आपको बताया है, ये नंबर 6 किससे बेटा, 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 6 ग्रेटर है 5 से। अब बेटा ये है -6, लेस है या -5 से कैसे है, तो बेटा ये मैंने आपको बताया है, जितना नेगेटिव इंटीजर में बड़ा नंबर होगा उतना वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये लेस देन है, -6 लेस है -5 से। अब बेटा -2 है, ये लेस है 0 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ ग्रेटर देन -101 और -111। तो आप बोर्ड पर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, -101, -111। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर में जितना छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है -1 ग्रेटर है -2 से, तो इसका आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच इज स्मॉलर, और स्मॉलर कौन सा है, -99 और -199। तो जितना ग्रेटर नंबर होगा नेगेटिव इंटीजर में वो क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो इसमें -199 बेटा क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, बुक पर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन, आप इंटीजर्स लिखने हैं 2 and 6। तो 2 और 6 के दरमियान में बेटा कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह -2 and 3 के मिड में, तो बेटा आप देखें -2 के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इसी तरह -6 and -1 के दरमियान में कौन से आएंगे, -6। बैक साइड पे चलें बेटा, -5, -4, -3, -2 and -1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, गिव टू पॉसिबिलिटीज़, आपने दो पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, 0 less than किस से है बेटा, -1 और -2 से। ठीक है, तो बेटा पार्ट नंबर 2 में देखें, इसमें लेस देन 0 बताना है, मतलब 0 किन से ग्रेटर है, तो 0 बेटा किन से ग्रेटर है, -1 और
माइनस टू से, मीन्स नेगेटिव इंटीजर से जीरो ग्रेटर होगा और पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर जीरो स्मॉल होगा, ठीक है बेटा। इसमें वन टू आएगा और इसमें माइनस वन माइनस टू आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आप बोर्ड पर देखें, क्वेश्चन नंबर बेटा सेवन है, राइट थ्री इंटीजर स्मॉलर देन टू। थ्री इंटीजर्स आपने लिखने हैं जो दो से क्या हो बेटा स्मॉलर, तो टू से छोटे बेटा कौन से हैं, जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर एट में है, राइट फोर इंटीजर, फोर इंटीजर्स आपने लिखने हैं ग्रेटर देन माइनस टू, तो ये क्या है बेटा माइनस वन जीरो वन टू। क्वेश्चन नंबर नाइन में है बेटा, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स की भी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड नेगेटिव इंटीजर्स की भी पॉजिटिव होती है। तो वो कैसे होती है बेटा, पार्ट वन में देखें आप टू है तो आप इतने इसको डिटर्मिनेंट में लगाया टू इज इक्वल टू टू। आपने नेगेटिव की कैसे निकाली है, माइनस एट है बेटा, माइनस एट को डिटर्मिनेंट में लिखा माइनस इंटू माइनस एट, माइनस माइनस बेटा प्लस एट हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन में बेटा है कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है उस टीचर की के जिसकी जीरो हो, तो जीरो ही ऐसा नंबर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, रेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है कि किसका बेटा, माइनस फोर वन माइनस टू एंड जीरो का। तो आपने सॉल्व किया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर है तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया है आप कैसे करते हैं, पहले स्मॉलर लिखते हैं देन आप उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर लिखते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर लिखा माइनस फोर, जितना बेटा नेगेटिव इंटीजर में बड़ा नंबर होगा वो उतना स्मॉलर होता है, माइनस फोर माइनस टू जीरो एंड वन। डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा आपने किया तो इसका बेटा उलट लिख दिया वन जीरो माइनस टू माइनस फोर, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर आज का एंड हुआ है। डायरी है बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। आपने सॉल्व करनी है नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस रजिस्टर पर, और बेटा ये एक दिन में काम नहीं करना, आप लोगों को जिस तरह टीचर आपकी डायरी बताएगा आपने वैसे ही करना है, जितने क्वेश्चन वो बताए आपने डेली के डेली उतने किया करने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।